हो सकता है कि आपने नक्षीवन का नाम कभी ना सुना हो। अजरबैजान का यह स्वायत्त गणराज्य ट्रांस काकेशियन पठार पर स्थित है। नक्षीवन चारों तरफ से अर्मेनिया, ईरान और तुर्की के बीच फंसा है। यह पूर्व सोवियत संघ के सबसे अलग थलग आउटपोस्ट में से एक है और यहाँ न के बराबर सैलानी आते हैं। अर्मेनिया की 80-130 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इसे अपने देश अजरबैजान से अलग करती है। 4.5 लाख की आबादी दुनिया के सबसे बड़े लैंडलॉक एक्सक्लेव में रहती है। इसका क्षेत्रफल बाली के बराबर है। यहाँ सोवियत काल की इमारतें हैं, सोने से जड़ी गुंबद वाली मस्जिदें हैं और लोहे की जंग जैसे लाल रंग के पहाड़ हैं। यहाँ के एक ऊंचे मकबरे में हजरत नबी को दफनाया गया था। पहाड़ पर बने मध्यकालीन किले को लोने प्लेनेट ने यूरेशिया का माचू पिचू करार दिया था। नक्षीवन की राजधानी बेहद साफ सुथरी है। हर सप्ताह सरकारी कर्मचारी यहाँ पेड़ लगाते हैं और सफाई करते हैं। बिखरते सोवियत संघ से सबसे पहले यही आजादी का ऐलान किया गया था। लिथुआनिया से कुछ महीने पहले उसके एक पखवाड़े बाद ही यह अजरबैजान में शामिल हो गया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू से 30 मिनट की फ्लाइट लेकर नक्षीवन सिटी पहुंचने से पहले मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहले 15 साल में सोवियत संघ से अलग हुए दूर दराज के इलाकों की सैर करता रहा हूँ। मैंने रूसी भाषा सीखी, ट्रांसनिस्ट्रिया जैसे छोटे देश पहुँचा, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के चुनावों को देखा, लेकिन नक्षीवन की यात्रा नहीं कर सका। नक्षीवन में सोवियत संघ की सीमा नाटो के सदस्य देश तुर्की से मिलती थी। यह ईरान से भी सटा हुआ है, इसलिए सोवियत संघ के ज्यादातर नागरिक भी यहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकते थे। सोवियत संघ से अलग होने के 30 साल बाद भी रूसी भाषा बोलने वाले लोगों और बाहरी दुनिया के लिए यह अनजानी जगह है। अजरबैजान का वीजा हो तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पहुँच सकता है। सैर के लिए यह महफूज जगह है, फिर भी यहाँ के अधिकारी विदेशियों के आने पर चौकन्ने हो जाते हैं। अजरबैजान एयरलाइंस के विमान से उतरकर मैंने इमिग्रेशन डेस्क पार की, तभी एक आदमी ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, पुलिस, वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें पूछा, वे कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। उन्हें बताया गया कि ब्रिटेन का एक नागरिक लाल शर्ट पहने हुए है, शायद बाकू हवाई अड्डे से ही नक्षीवन के सुरक्षा अधिकारियों को मेरे आने की जानकारी दी गई थी। उन्हें लगा होगा कि मुझे पहचानने का सबसे आसान तरीका मेरे शॉर्ट्स हैं। नक्षीवन के साफ सुथरे हवाई अड्डे से बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और यहाँ के दूसरे बड़े शहर आइबुट की ओर बढ़ने लगा। चमचमाते काली मर्सिडीज चलाने वाले मिर्जा इब्राहिमोव गाइड का भी काम करते हैं। शहर के बेदाग सड़कों से गुजरते हुए उन्होंने कहा, आपको यहाँ कूड़े का एक तिनका भी नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता था कि यहाँ की सड़कें, चौराहे और सोवियत काल की रिहायशी इमारतें कैसे इतने स्वच्छ रहती हैं? तभी मेरा ध्यान 8 कोड़ों वाली बुर्ज की ओर चला गया। इस्लामिक शैली में बने इस बुर्ज पर संगमरमर की टाइल्स लगी हैं। इब्राहिमोव ने बताया कि स्थानीय लोगों के दिल में इसके लिए खास जगह है। नूह का मकबरा दुनिया के उन 5 जगहों में से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी को दफनाया गया था। यहाँ के लोगों को पक्का यकीन है कि उनकी मातृभूमि ही हजरत नूह की जमीन है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नक्षीवन अर्मेनियाई भाषा के 2 शब्दों को मिलाने से बना है, जिसका अर्थ होता है वंशजों की जगह। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुरानी फारसी के नख नू और चीवन स्थान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ नूह का स्थान। स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक जब कयामत की बाढ़ का पानी घटा तो नूह की नाव इलेडाग पहाड़ी पर रुकी। उसके निशान पहाड़ी की चोटी पर आज भी दिखते हैं। नक्षीवन के कई लोग आपको बताएंगे कि हजरत नूह और उनके अनुयायियों ने अपनी बाकी जिंदगी वही काटी है और वे लोग उन्हीं के वंशज हैं। इब्राहिमोव ने जिस दिन को मुझे बताया कि नूह की नाव पानी में डूबी, पहाड़ी की चोटी से कैसे टकराई थी, उसके कुछ ही दिन बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने
आर्टबर्ड में पार्क के बेंच पर बैठे बैठे अपने जलती हुई सिगरेट से इशारा करके बताया, वो उस जगह पहाड़ी के ऊपर नू की नाव खुद रुक गई थी। पिछले करीब 7500 वर्षों में जब नू और उसकी अनुयायी माउंट इलेडाग या पास के माउंट अरारात, आप किससे पूछ रहे हैं उस पर निर्भर करता है, से उतरे, तब से उनके वंशज पर्शियन, ऑटोमन और रूसी शासन के अधीन रहे। पिछले कुछ दशकों में अर्मेनिया के साथ इसका जमीन विवाद चल रहा है। 1988 में जब अधीन गणराज्यों पर सोवियत संघ की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, तब दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान में नखचीवन के पास नारगोनो कारबाख में अर्मेनिया के नस्ली समूहों ने अजरबैजान से युद्ध छेड़ दिया। 1994 में संघर्ष विराम होने तक इस हिंसा में करीब 30,000 लोग मारे गए। 1988 में अर्मेनियाई बहुल नस्ली समूहों ने नखचीवन को अजरबैजान और सोवियत संघ से जोड़ने वाले रेल और सड़क मार्ग बंद कर दिए थे। ईरान और तुर्की में आरस नदी पर बनाए गए दो छोटे पुलों ने नखचीवन को भुखमरी और पतन से बचाया। नाकेबंदी में फंसे नखचीवन के लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई। आर्थिक रूप से पुलों और पड़ोसियों पर निर्भर रहने की बजाय उन्होंने अपना खाना खुद उगाना शुरू किया और जरूरत के सामान खुद बनाने लगे। 2005 में कच्चे तेल से अजरबैजान की आमदनी और जीडीपी बढ़ी तो नखचीवन में भी निवेश बढ़ा। ऐसे आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय भावना और विकसित हुई। आज उत्तर कोरिया की तरह अजरबैजान का यह एक्सक्लेव दुनिया के उन चुनिंदा उदाहरणों में से एक है जो आर्थिक रूप से किसी और देश, बाहरी सहायता या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर नहीं है। नखचीवन की आर्थिक नीति ने यहाँ के खान पान को भी बदला। यहाँ के लोग स्लो फूड और ऑर्गेनिक खेती की ओर मुड़े। यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना जिसने इस जगह को पहचान दी। यहाँ भोजन को बहुत सम्मान दिया जाता है। ईरान सीमा के पास लंच करते हुए इब्राहिमोव के दोस्त एलशाद हसानोव कहते हैं, हम इस तरह खाते हैं क्योंकि हम यह कर सकते हैं। खाने की कमी की यादें उनके जहन में ताजा है, लेकिन आर्थिक निर्भरता की सोवियत नीति को छोड़ने के बाद नखचीवन ने अपनी नीति अपनाई। इसमें कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाई गई, ऑर्गेनिक खाने को अपनाया गया, सेहत को लेकर जागरूकता ने सुनिश्चित किया कि लोग बल्बस नस्ल की जिन भेड़ों को खाए वे नखचीवन के खेतों से आए। वे मछलियाँ भी स्थानीय झीलों की खाते हैं। वे नखचीवन के पहाड़ों की तलहटी से जंगली सोवा, नागा दोना और मीठी तुलसी लेते हैं। यहाँ तक कि नमक भी नखचीवन की भूमिगत गुफाओं से निकाला जाता है। खाने की मेज पर मेमने का गोश्त रखा गया, उसके साथ सब्जियों का सलाद, चीज, फ्लैट ब्रेड, कबाब, ताजी ट्राउट मछली, बियर और वोदका पड़ोसी गई। वोदका में 300 तरह की जड़ी बूटियां मिलाई गई थी जिन्हें पास के पहाड़ों से लाया गया था। हर जड़ी बूटी से किसी न किसी बीमारी का इलाज होता है। मैंने नखचीवन की ऑर्गेनिक और स्थानीय खाने के बारे में पूछा तो हसनो ने खुशहाली का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लोग तंदुरुस्त हैं और हम पहले की तरह बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वह प्राकृतिक है। मैंने एक बड़ा टमाटर खाया तो उसकी मिठास मेरे मुंह में भर गई। बेशक अब तक मैंने जितने टमाटर चखे थे उनमें यह सबसे बढ़िया था। नखचीवन के लोग अनुवांशिक रूप से संवर्धित खाना, जीएमओ फूड नहीं खाते, मगर वे इतना ही नहीं करते। राजधानी से 14 किलोमीटर डजडॉग की नमक गुफा है। पूर्व सोवियत संघ की नमक खदान के अंदर एक चिकित्सालय है। दावा किया जाता है कि यहाँ का 13 करोड़ टन शुद्ध प्राकृतिक नमक अस्थमा से लेकर ब्रोंकाइटिस तक कई तरह की सांस की बीमारियों को ठीक कर सकता है। इब्राहिमो और मैं अंधेरे गुफा के अंदर उतरे तो नखचीवन की 30 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी गायब हो गई। इब्राहिमो ने लंबी सांस ली। बहुत अधिक धूम्रपान करने वाले इब्राहिमो को केओथेरेपी से
फायदा हुआ था। यहाँ दुनिया के सभी कोनों से लोग आते हैं। पिछले साल उरुग्वे से आए एक आदमी को भयंकर अस्थमा था। यहाँ से वह ठीक होकर गया। उसी समय स्कूली बच्चों और उनके शिक्षकों का एक दल नमक की गुफा में रात बिताने के लिए आया। वापस शहर में आकर मैंने सफाई के जुनून के बारे में पता करने की ठानी। स्वच्छता के किसी भी पैमाने पर नखचीवन अजरबैजान का सबसे साफ शहर है। सड़कें और गलियां बुहारी हुई मिलती हैं, पेड़ अच्छी तरह छटे हुए दिखते हैं और खर पतवार का नामो निशान नहीं मिलता। नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक इस उपलब्धि का श्रेय सरकारी कर्मचारियों को जाता है, जैसे शिक्षक, सैनिक, डॉक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारी। वे छुट्टी के दिन स्वेच्छा से सड़कें साफ करने में हाथ बटाते हैं। नाकेबंदी के दौरान ईंधन के लिए लोगों ने जंगल काटे थे, उसकी भरपाई के लिए लोग पेड़ लगाते हैं। इस प्रथा की जड़ें सोवियत काल की परंपरा सुबोतनिक में है। लोग स्वेच्छा से पेड़ लगाते हैं, उन्हें किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता। शनिवार की एक सुबह इब्राहिमोव ने मर्सिडीज बंद कर दी और पास के खेतों की तरफ इशारा किया। धूप में कुछ लोग काम कर रहे थे, वे फलों के पेड़ लगा रहे हैं। सुबोतनिक की परंपरा के फायदे स्पष्ट दिखते हैं। हर पेड़ के साथ यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, लोगों के फेफड़े मजबूत होते हैं और स्वादिष्ट फलों की आपूर्ति बढ़ती है। नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमेटी की उसी रिपोर्ट के मुताबिक जिसे भी इस स्वैच्छिक काम से आपत्ति होती है उसे सरकारी नौकरी से तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। आर्थिक विकास मंत्रालय के एक कर्मचारी ने इसे स्वीकार किया। नखचीवन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कहना है कि वहाँ के शासक वासिफ तालिबोव, जिनको कई लोग तानाशाह समझते हैं, मुफ्त श्रम से भारी कमाई कर रहे हैं। यात्रा के आखिरी चरण में मुझे ख्याल आया कि क्या नखचीवन की स्वच्छ छवि सिंगापुर से मिलती जुलती है, जहाँ सस्ते श्रम की उपलब्धता और सरकार के नाराजगी के डर से साफ सफाई होती है। नखचीवन की एक पहेली है जिसे मैं नहीं सुलझा पाया। क्या यह एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर एक्सक्लेव है जो आत्मनिर्भर स्वयंसेवकों से आबाद है, या सब कुछ दिखावे के लिए है, या इन दोनों का घालमेल है? इतना निश्चित है कि यह पहला जैसा नहीं है। सोवियत काल की तरह लोग रेस्तरा में फुसफुसाकर बातें नहीं करते, बल्कि बाहरी लोगों से भी खुलकर बातें करते हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ सप्ताह के अंत में स्वैच्छिक श्रमदान करते हैं, बावजूद इसके कि देश की जीडीपी पिछले 15 साल में 300% बढ़ गई है। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को दूर देश से आए नबी से जोड़ते हैं, मगर स्थानीय सरकार खुद को घेरे में समेट कर रखती है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।